Good morning. How are you? Ah. Nice cup of coffee. Start with the morning. Metro. ये जो जुबान है ना ये बिना हड्डी का है, कभी यहाँ फिसले कभी वहां फिसले, कभी ये बोले कभी वो बोले। हाल ही में जो आपके सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है वो बड़ा है गजब अभिमिसाल उदाहरण है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे कि ये जो जगह है ना, ये आपको या आपके समस्याओं को सुलझाते भी हैं और आपको उलझाते भी हैं। तो समझ गए होंगे मेरा क्या इशारा है, सुलझाना और उलझाना, और सुलझना और उलझना। इसलिए मित्रों वाणी पे थोड़ा लगाम रखिए। अच्छी बात नहीं है, इसीलिए एक बार जो हमारे दांत हैं और जीभ में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, तो दांत कहते हैं जीभ से ज्यादा बकबक मत कर। तो हम दोनों के बीच में है, हम फिर वो कभी भी काट सकते हैं। तो जो जीभ थी, जो जुबान थी, उसने बोला चल बकवास मत कर, मैं ऐसा कुछ बोलूंगा ना कि कोई तेरे को तोड़ देगा, जब तोड़ेगा तो मेरे को कहां से बीच में दबाएगा। इसीलिए वाणी ध्यान दीजिए, रिश्ते में आपसे बड़ा हो या रिश्ते में आपसे छोटा हो, उम्र में आपसे बड़ा हो या चाहे उम्र में छोटा हो, अन्य अन्य अन्यथा जो भी है, भाई साहब सब सम्मान के भागीदार हैं और सब आदर के भागीदार हैं। तो अपना दामन भी बचाइए और दूसरे के दामन पर भी दाग मत लगने, यही सबके लिए संदेश है, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे समस्त मानव जाति के लिए। क्योंकि एक मानव जाति तो ऐसा है जो जवान के बल पे कुछ भी कर सकता है, किसी को भी गिरा सकता है, किसी को उठा सकता है, ये धारणा है। और इसी जवान से आदमी के अंदर एक घमंड भी पैदा होता है और वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है शक्ति प्रदर्शन ठीक उलट करके आपके पास आता है। तो मित्रों थोड़ा संभल के बोलिए, ठीक है जी। चलो मैं चाय पीता हूँ, फिर कोई नई खबर में कल मिलते हैं, बाय।